हाय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त धीरज और नए से मैं राजस्थान में हूं। यहां पे पवन भैया मिले हैं और नीतू जी मिले हैं। इन्होंने मेरी साइकिल रोककर और चाय पानी के लिए पूछा, बातचीत करने के लिए पूछा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पूरे राजस्थान में पहले तो सबसे पहले तो आपको 28 राज्य कम्प्लीट करने के लिए साइकिल से, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत अच्छा लगा। मैं रात से जब से आपको देखा था ना, मतलब मिला था आपसे फर्स्ट टाइम, तो ये भी ऐसे बोल रही थी कि भैया से मिलना है, अर्ली मॉर्निंग हम आपसे मिल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए कि राजस्थान में कैसा लग रहा है आपको? काफी अच्छा लग रहा है। और मेरी यात्रा का मतलब क्या बोलते हैं, पर्पस भी मतलब ये नहीं बोल सकते कि राजस्थान, लेकिन ये बिंदु में आया था क्योंकि मैं जब साइप्रस गया था और कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया था, तो उस समय एक मटो मोदी ने फ्रांस के, उन्होंने पूछा था राजस्थान के बारे में और मैं बता नहीं पाया था क्योंकि मेरा जो काम है छत्तीसगढ़ में है, ट्राइब पे है, जेंडर पे है। तो जब खाना खाने के लिए बैठे तो बोले थे कि मेरा फील्ड वर्क है, तो राजस्थान फील्ड वर्क है, तो उस समय मेरे माइंड में आया था कि मैं मतलब इंडिया का रहने वाला हूँ, कभी राजस्थान नहीं गया हूँ, तो ये साइकिल स्टार्ट किया। और मतलब ये मतलब मेरी खुशी की बात है कि ये राजस्थान मेरा 28वां स्टेट है। अच्छा। और इंडिया में 28 स्टेट है। अच्छा, तो आप कितने दिन से अभी राजस्थान में हैं? राजस्थान में मेरा 9 या 10 दिन हो गया है और ये शायद मैं झालावाड़ से एंट्री किया था और टोंक, जयपुर और अभी ये जयपुर ही चल रहा है। सीकर मतलब सीकर में मैं पहुंचा हूँ। जी, और अभी मैं ऐसे मैं हरियाणा में एंट्री नहीं करूंगा और ऐसे हनुमानगढ़ी जो है वैसे करते हुए मैं नहीं। सर, आपको मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा कि आप पहले तो यहाँ था श्याम जी, आप जानते हैं यहाँ से 20 लगभग 17-18 किलोमीटर था श्याम जी का मंदिर है, काफी फेमस मंदिर है। अच्छा। उसके आप दर्शन कीजिएगा, उसके बाद में आप जैसलमेर स्थम देख सकते हैं। यहाँ पर काफी अच्छी जगह जैसलमेर स्थम जो जगह है वहाँ देख सकते हैं आप, वहाँ घूम सकते हैं, पेड़ देख सकते हैं, बॉर्डर देख सकते हैं जो पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है वो भी आप देखा। आपने माउंट आबू देखा? सिरोही माउंट आबू नहीं, और काफी अच्छी जगह है ऊपर है। जैसे अगर आपने राजस्थान में माउंट आबू अगर जानना हो तो जरूर ये गोवा है, हमारे राजस्थान का गोवा माउंट आबू को बोला जाता है। अच्छा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट? सिरोही। सिरोही में है तो मतलब बैग में जाना हो या आगे मिलेगा? यहाँ से भी जा सकते हैं आप, बैग जयपुर से भी जा सकते हैं, और हमारा भी टूर है सिरोही का, कल का या परसों का। पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है माउंट आबू। अच्छा, तो आप अगर वहाँ की जनसंख्या बिल्कुल एकदम बहुत से ऊपर, गुरु शिखर का नाम सुना? आप कह रहे थे मुझे जनजातियों में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको वहाँ काफी जनजातियाँ मिलेंगी। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका? काफी अच्छा रहा है, मतलब 19 महीना होने वाला है, 4 दिन के बाद 19 महीना हो जाएगा, और काफी मतलब ज़्यादा तो मीठी यादें रही है, मतलब 99% बोल सकते हैं कि मीठी यादें रहा। लोगों को बहुत सपोर्ट मिला, काफ़ी अच्छा लगा, और बिना लोगों के सपोर्ट के मेरी यात्रा संभव नहीं हो मतलब हो पाती। और लेकिन मैं मुझे पहले से भी ये एहसास था कि मतलब इसे एक प्रोफेसर से मैं मिला। आप परेशानियां तो बहुत आई होगी रही इस यात्रा की? यात्रा बहुत नहीं आई है, मैं बताया था कि 1% से भी बहुत कम आया है। अच्छा। लेकिन लोगों का सपोर्ट मिला और मतलब एक प्रोफेसर है मेरे, तो बताए थे कि आपको लोगों पर विश्वास है कि नहीं, तो हाँ लोग मतलब पता था पहले से कि लोग प्यार करेंगे, खाना देंगे, सब कुछ करेंगे, तो ऐसा वही चल रहा है। और राजस्थान के बारे में आप कुछ बताएं कि मतलब राजस्थान तो मैं मेरे माइंड में पहले था कि राजस्थान रेगिस्तान है ज्यादातर एरिया, लेकिन मैं यहाँ पे आया तो आपको हमारे राजस्थान में सिर्फ रेगिस्तान नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे मैदान भी मिलेंगे, पहाड़ भी मिलेंगे, सब कुछ मतलब विविधताओं से भरा हुआ राजस्थान है। अपनी अलग पहचान रखता है राजस्थान और यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं, तो आप जैसे जैसे आप घूमेंगे तो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। और सर, अगर राजस्थान की आपको संस्कृति देखनी है तो जयपुर में आप जल महल पे जाइए, आप हवा महल देखिए, अल्बर्ट हॉल देखिए, यहाँ के ओरिजिनल संस्कृति आपको दिख जाएगी, यहाँ का इतिहास भी है वो भी लगभग आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको जनजातियाँ देखनी है तो आप इधर यहाँ उदयपुर साइड, डूंगरपुर साइड, यहाँ पे घूमिए, काफी अच्छी जगह है। हाँ, सिर्फ मेरी जनजाति नहीं है, मतलब इस यात्रा में ऐसे मेरा काम रहा है प्रॉपर, लेकिन बस इस यात्रा में मैं किसी एक पर्टिकुलर पे नहीं रहना चाहता, एक फोकस मैं चाहता हूँ कि ज्यादा ज्यादा एक्सप्लोर करूँ और ज्यादा ज्यादा टॉपिक में बाद में चीजें मैं। आपकी कितने दिन की यात्रा है ये? यात्रा मेरी तो ऐसे 8 से 12 महीना की थी, लेकिन 19 महीना होने वाला है 4 दिन के बाद, और 2 महीना और लगेगा क्योंकि कश्मीर लद्दाख में लेह में मैं अपनी यात्रा फिनिश करूँगा, और मैं कश्मीर जाने के साथ साथ मेरी साइकिल जो है बहुत स्लो हो जाएगी, जैसे मैं एक जगह पे 4 दिन 5 दिन रुकूंगा और अपने जो डायरी जो मैंने लिखा है
उस पर काम करूंगा, मतलब डायरी लिखने का है। हाँ। लोगों का एक्सपीरियंस ये शेयर करूँ, डायरी लिख के शेयर करूँगा। हाँ हाँ, जो मैं डायरी लिख रहा हूँ वो किताब के रूप में, तो वहाँ से मैं काम शुरू कर दूँगा, क्योंकि वहाँ पर ठंडी होगी और अभी इंडिया में गर्म है, तो उसके बाद फिर मैं जॉब करूँगा और स्टार्ट करूँगा जैसे अपनी मतलब एकेडमिक लाइफ। अच्छा सर, मेरे को एक सजेस्ट दीजिए, अगर मान लो मैं साइकिल यात्रा करूँ या मैं कोई भी यात्रा करूँ, तो मुझे क्या सजेस्ट देंगे आपने इतने दिन में, क्या अच्छा क्या बुरा एक्सपीरियंस दिया कि मैं जिसे मुझे आप सजेस्ट बता सको? हाँ, तो सबसे पहले ये है कि मतलब कोई भी साइकिल यात्रा का अगर करना चाहते हैं तो मतलब पेशेंस का काम है ये साइकिल यात्रा, क्योंकि अगर आप इंडिया साइकिल से घूमते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको दो चार महीने में हो जाएगा। अगर अच्छे से घूमना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 6 महीना 8 महीना देना पड़ेगा। तो एक तो पेशेंस आना चाहिए, और आप निकलेंगे तो ऑटोमेटिक लोगों का प्यार मिलेगा, सच्ची सपोर्ट मिलेगा, और पैकेट में थोड़ा पैसा रहेगा तो थोड़ा सा ये रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, बैलेंस रहेगा, क्योंकि सपोर्ट जो लोगों का होता है हमेशा नहीं होता है, कई बार होगा तो कंटिन्यू होगा, कई बार होगा कि मतलब गैप हो जाएगा। कई बार जैसे मुझे भी यात्रा में बहुत ही लगा है कि कोई बातचीत करने के लिए नहीं मिल रहा है, मतलब लगातार 3 दिन 4 दिन, तो फ्रस्ट्रेशन भी आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो लेकिन फ्रस्ट्रेशन आने के बाद ही आपको कंटिन्यू रखना पड़ता है। हाँ भैया, कई बार आपकी यात्रा में ऐसा कोई टाइम रहा हो कि आप चल रहे हो और कोई दूर दूर तक कोई आदमी ना दिख रहा हो, आप ही सोच रहे हो पता नहीं मैं कहाँ आ गया, ऐसा भी कभी हुआ हो? हाँ, लेकिन कई बार हुआ है कि लोग दिख रहे हैं और बातचीत नहीं कर रहे हैं तो मतलब बुरा लग रहा है, और कई बार हुआ है कि मतलब लोग नहीं मिल रहे और अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जब नॉर्थ ईस्ट में था और मेरी जो साइकिल थी नॉर्मल थी बिना गियर की, तो वहाँ पर बहुत पूरा नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी है, तो मैं पहाड़ पे ऐसे साइकिल को धक्का लेके जाता था और ऐसे मतलब जाता था जंगल में, गाड़ियाँ भी आ रही है 4 मिनट के बाद, आधा घंटा के बाद, तो वो जगह मुझे सुकून, पूरा सुकून भरा लगा, क्योंकि एक पत्ता भी अगर पेड़ से गिरा था तो सुनाई देता था, चींटी अगर छोटे छोटे चल रहा है तो, और पूरा जो जंगल सुनसान है उसकी जो आवाज़ें है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और कई बार बुरा भी लगा कि मतलब लोग हैं बातचीत नहीं कर रहे हैं, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, वो तो खैर एनीवे वो यात्राएँ हैं, दोनों चीज़ें हो गई थी सबसे। ये चलिए, आपको अग्रिम बधाई और आपकी यात्रा मंगलमय हो, और भैया का सपोर्ट कीजिएगा, ये जहाँ जाए उनसे पहले सपोर्ट इनकी वीडियो जाए। मैं भी इनका एक वीडियो डालूंगा अपने चैनल पे, वो इसीलिए डालूंगा कि इनका देखिए एक जज्बा है इनके अंदर, एक ऐसा जज्बा जो हर किसी के अंदर नहीं होता, जो एक युवा, कई लोगों का आप देख रहे होंगे युवा कई लाइनें गलत लाइन पे जा रहे, लेकिन इनका जज्बा था बिना किसी उसके सपोर्ट के ये वहां से निकले थे। तो आप भी ये जहां जहां पहुंचे इससे पहले इनका वीडियो पहुंच जाए, मैं आशा करता हूं कि इनका वीडियो पहुंच जाए और इनका सपोर्ट कीजिए, जो आपसे बन सके वो सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सर।